हेलो एवरीवन, सो इस वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि हमारे इंग्लिश ग्रामर का है। सो आज का हमारा टॉपिक है सेंटेंसेस। ठीक है, तो चलिए इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ कंप्लीट सेंस इज नोन एज सेंटेंस। यानी एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जो कि हमें कोई कंप्लीट सेंस दे सके, उसी को हम लोग सेंटेंस कहते हैं। चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सो हमने जो फर्स्ट एग्जाम्पल लिया है वो है राम इज़ अ गुड बॉय, यानी राम एक अच्छा लड़का है। सो जब मैं ये सेंटेंस आपको बोल रही हूँ कि राम इज़ अ गुड बॉय, सो आपका जो सेंस है इस जो सेंटेंस का जो मीनिंग है वो हमारे लिए क्या है, एकदम क्लियर है। बट अगर मैं बोलूँ कि अ बॉय गुड इज़ राम, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, कुछ भी नहीं। इसका कोई एक कंप्लीट सेंस हमें नहीं पता चल पा रहा। तो इसीलिए सेंटेंस का मतलब होता है कि एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जो कि एक कंप्लीट सेंस दे, तो उसी को हम लोग सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, चलिए इसे और क्लेरिफाई करते हैं अपने सेकेंड एग्जाम्पल से। सो जो हमने सेकेंड एग्जाम्पल लिया है वो है सीता लव्स कुकिंग, यानी सीता को खाना पकाना अच्छा लगता है। सो यहाँ पे जो है बिल्कुल क्लियर है कि ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड है वो हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक सेंटेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये हमें एक कंप्लीट सेंस दे रहा है। ओके, चलिए फिर आगे पढ़ते हैं सेंटेंसेस के बारे में। सो सेंटेंस जो होते हैं उसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। पहला जो है उसे हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट, दूसरा जो है उसे हम लोग बोलते हैं प्रेडिकेट। ठीक है, तो इसे समझते हो, सब्जेक्ट का मतलब होता है यानी किसी भी ऐसे व्यक्ति या किसी भी ऐसे चीज़ के बारे में जो सेंटेंस में बताया जा रहा हो, जिसके बारे में वो सेंटेंस लिखी गई हो, उसी को हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, और उस सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए जो भी वर्ड्स यूज किए गए हों उसे हम लोग प्रेडिकेट कहते हैं। ठीक है, ये कैसे होता है, तो एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं कि राम इज़ अ गुड बॉय। ठीक है, तो इस सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है, राम के बारे में। तो इसलिए राम जो है वो एक सब्जेक्ट है और इज़ अ गुड बॉय ये राम की क्वालिटी को दिखा रहा है यहाँ पे। सो ये जो है इज़ अ गुड बॉय प्रेडिकेट हो जाएगा। ठीक है, आप समझ रहे हो कि सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में सेंटेंस में बात हो रही हो, और सब्जेक्ट को डिस्क्राइब जितने वर्ड्स करते हैं उसे हम लोग प्रेडिकेट कहते हैं। ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल पे आते हैं हम लोग, सीता लव्स कुकिंग। तो यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है, सीता के बारे में। तो सीता क्या हो गया, सब्जेक्ट, और लव्स कुकिंग क्या हो गया, प्रेडिकेट। क्यों? क्योंकि जो सीता और सब्जेक्ट है उसके बारे में जो है जो हमारा आगे वाला जो वर्ड्स है उसे एक्सप्लेन कर रहा है, सब्जेक्ट के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है, इसीलिए वो प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, तो ऐसे आप ये मत सोचिएगा कि एक सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट हो सकता है या एक ही प्रेडिकेट हो सकता है, नहीं, ऐसा नहीं है। जब भी कंजक्शन लग जाता है किसी वर्ड्स में, यानी जब भी हम दो सेंटेंसेस को एक साथ लिख देते हैं कंजक्शन वर्ड लगा के, एंड, सो, बिकॉज, ये सब, तो वहाँ पे क्या होता है कि ऐसे सेंटेंसेस में दो बार सब्जेक्ट आ सकता है। ठीक है, जैसे कि मैं बोल दूं कि राम इज अ गुड बॉय एंड सीता लव्स कुकिंग, तो यहाँ पे दो सब्जेक्ट है, राम इज अ गुड बॉय, तो राम के बारे में पहले बार में हमें बताया जा रहा है पहले पार्ट में, तो राम हो गया सब्जेक्ट और इज अ गुड बॉय प्रेडिकेट हो गया, और वहाँ पे हमने क्या कंजक्शन यूज किया है, एंड सीता लव्स कुकिंग, और ये एक ही सेंटेंस है, अलग अलग सेंटेंस नहीं है क्योंकि हमने एंड जोड़ दिया है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ कि सिर्फ हमने राम को सब्जेक्ट जो है बस राम ही लिखेंगे, नहीं, सब्जेक्ट सीता भी है। ठीक है, तो सीता लव्स कुकिंग, क्योंकि एक पार्ट में तो राम के बारे में बताया जा रहा है और वहीं दूसरे पार्ट में क्या है, सीता के बारे में बताया जा रहा है। सो इसीलिए जो है इस सेंटेंस में दो सब्जेक्ट है। ठीक है, चलिए और कुछ बातें हैं, कुछ बेसिक से पॉइंट्स हैं सेंटेंसेस के बारे में, वो भी हम जान लेते हैं। सो हमारा फर्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिन विद कैपिटल लेटर, यानी हमें कभी भी अगर अपने सेंटेंस को बिगिन करना है, स्टार्ट करना है, सो हमें उसे हमेशा कैपिटल लेटर से ही करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमने जो सेंटेंस स्टार्ट करना है उसका जो फर्स्ट वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर हमने स्मॉल में लिख दिया, नहीं, हमने जब भी सेंटेंस को स्टार्ट करना है तो जो हमारे वर्ड का फर्स्ट लेटर है उसे हमें किस में लिखना है, कैपिटल में लिखना है। ठीक है,
और हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम सेंटेंस में कहीं भी अपने अकॉर्डिंगली जो है कैपिटल या स्मॉल लेटर नहीं लिखते हैं, ठीक है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो कि सेंटेंसेस में क्या करते हैं ना, जहाँ उनकी मर्ज़ी हुई वहाँ पे कैपिटल लिख देते हैं, जहाँ उनकी मर्ज़ी हुई वहाँ पे स्मॉल लिख देते हैं। तो ये मेथड बिल्कुल गलत है। सेंटेंस की हमेशा स्टार्टिंग में जो है तभी हम लोग कैपिटल लेटर लिखते हैं, ठीक है। हाँ, सेंटेंस के बीच में कैपिटल लेटर तभी लिखते हैं जब हम लोग प्रॉपर नाउन्स जो है, प्रॉपर नाउन अगर आ जाता है हमारे सेंटेंस में तभी हम उस नाउन को इंडिकेट करने के लिए ही कैपिटल लेटर्स लिखते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि प्रॉपर नाउन क्या होता है या नाउन क्या होता है, नाउन से रिलेटिव जितने भी टाइप्स हैं वो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, तो आप चैनल पर जाके देख सकते हो, ठीक है, कि वो कैसे होता है, कॉमन नाउन क्या, प्रॉपर नाउन का क्या है और आपको कैसे उसका यूज करना है। तो हमारा सेकेंड पॉइंट कहता है द वर्ड्स मस्ट बी प्लेस इन प्रॉपर ऑर्डर, यानी जो भी हमारे वर्ड्स हैं वो एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज नहीं होगा तो वो हमें कंप्लीट सेंस नहीं देगा वो सेंटेंस। अगर कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड कंप्लीट सेंस नहीं देगा तो वो सेंटेंस तो हम उसे कह ही नहीं सकते। सो हमेशा इसे ध्यान रखना है कि हम जब भी वर्ड्स को लिखें तो एक प्रॉपर सीक्वेंस में लिखें, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट कहता है अ सेंटेंस एंड्स विथ फुल स्टॉप, इंटरोगेटिव मार्क्स और एक्सक्लेमेटरी मार्क, यानी कोई भी जो सेंटेंस होता है वो तीन चीज़ों से एंड करता है। वो कौन सी तीन चीज़ें होती हैं? फर्स्ट है फुल स्टॉप, दूसरा है इंटरोगेटिव मार्क, इंटरोगेटिव मार्क को हम लोग क्वेश्चन मार्क भी बोलते हैं, ठीक है, और फिर तीसरा है एक्सक्लेमेटरी मार्क। अब आप लोग पूछोगे कि कौन सा जो मार्क है हमें कहाँ यूज़ करना है, ये हमें कैसे पता चलेगा। सो इसके बारे में जो है हम अपने वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे कि इसे हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि किस सेंटेंस में कौन सा मार्क हमें लगाना है, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग फटाफट से एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। सो मैंने जो फर्स्ट एग्जाम्पल लिया है वो है फुल स्टॉप से, एक ऐसा सेंटेंस जो कि फुल स्टॉप से एंड होता है उसका एग्जाम्पल मैंने लिया है। सो पहला है राम इज अ गुड बॉय, ठीक है। दूसरा है व्हाट इज योर नेम, तो आप यहाँ पे देख रहे हो व्हाट इज योर नेम लास्ट में क्या है, इंटरोगेटिव मार्क यानी क्वेश्चन मार्क मैंने लगाया है यहाँ पे, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल में देखोगे कि मैंने एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाया है, जैसे कि सेंटेंस है हुर्रे वी गॉट इट, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि लास्ट में क्या है, एक्सक्लेमेटरी मार्क है। अब हम इसके यूजेस के बारे में भी पढ़ेंगे, बट रुको, अभी और भी बातें हैं जो हमें यहाँ पे समझनी है, ठीक है। सो यहाँ पे है कि बेसिकली जो होता है हमारा सेंटेंसेस दो टाइप का होता है। कौन से वो दो टाइप्स होते हैं? फर्स्ट है पॉजिटिव सेंटेंस एंड सेकेंड है नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। पॉजिटिव सेंटेंस यानी मतलब हो गया कि ऐसे सेंटेंसेस जो किसी पॉजिटिविटी के बारे में बात कर रहे हो, यानी जो किसी की क्या बोलते हैं, अच्छाई बता रहे हो, खूबी बता रहे हो, तो उसे हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं। और वही नेगेटिव सेंटेंस का मतलब हो जाता है कि ऐसे सेंटेंस जो किसी के बारे में बुराई कर रहे हो, किसी की बुराई बता रहे हो, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है पॉजिटिव सेंटेंस का, आई एम अ गुड स्टूडेंट, यानी मैं एक अच्छा स्टूडेंट हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे क्या स्टूडेंट के बारे में पॉजिटिव बात बताई जा रही है कि जो स्टूडेंट है वो गुड है, अच्छा है, ठीक है। और अगर हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो इसी सेंटेंस को अगर हमें नेगेटिव बनाना हो तो हम क्या करेंगे, आई एम नॉट अ गुड स्टूडेंट, यानी मैं एक अच्छा स्टूडेंट नहीं हूं। तो आप यहां पे देख रहे हो कि यहां पे क्या उस स्टूडेंट की कमी बताई जा रही है कि वो एक अच्छा स्टूडेंट नहीं है, उसकी बुराई की जा रही है कि वो एक अच्छा स्टूडेंट नहीं है, ठीक है। सो बेसिकली यही डिफरेंस होता है दोनों टाइप के सेंटेंसेस में कि एक जगह आपकी खूबी बताई जाती है, आपके टैलेंट को प्रेज किया जाता है और दूसरी जगह जो है आपकी कमियां बताई जाती हैं नेगेटिव सेंटेंसेस में, ठीक है। एक और तरीका है पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस को डिफ्रेंशिएट करने का, जो कि बेसिक सा है, बट ये तरीका जो है सारे सेंटेंसेस पे एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। कुछ कुछ सेंटेंसेस पे एप्लीकेबल होता है, कुछ कुछ सेंटेंसेस पे एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। वो मेथड मैं आपको बता देती हूँ। तो वो ऐसा होता है कि पॉजिटिव सेंटेंसेस में ना नेगेटिव सेंटेंसेस में ना नो और नॉट का यूज होता है, ठीक है। बट कभी कभी क्या करते हैं ना एग्जामिनर, क्या करते हैं कि हमें ऐसे सेंटेंसेस दे देते हैं जो कि पॉजिटिव होता है, बट उसमें भी वो नो और नॉट का क्या करते हैं, यूज़ कर देते हैं, ताकि स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाए। जैसे कि अगर मैं बोलूँ आई एम नॉट अ बैड स्टूडेंट, ठीक है, तो यानी इसका मतलब क्या हुआ, मैं एक बुरी स्टूडेंट नहीं हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे नॉट का यूज़ हो रहा है, बट आप ये भी ध्यान दो कि यहाँ पे क्या कह रहा है सेंटेंस, कि मैं एक बुरी स्टूडेंट नहीं हूँ,
यानी वो क्या है, एक अच्छा स्टूडेंट है, डायरेक्टली अच्छा नहीं कह के क्या घुमा फिरा के कह रहा है कि मैं एक बुरी स्टूडेंट नहीं हूँ। सो इस तरह आपको कंफ्यूज कर सकता है, तो आपको सेंटेंसेस पे अपना कमांड बना के रखना पड़ेगा, उसे समझना पड़ेगा। इसीलिए मैंने इसकी इस ट्रिक को समझाने से पहले ही मैंने बोला था कि ये ट्रिक सभी जगह एप्लीकेबल नहीं होती है। हाँ ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर हम लोग जान लेते हैं कि सेंटेंसेस के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो सेंटेंसेस की 4 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट होता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जिसमें हम लोग स्टेटमेंट्स देते हैं। दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं। तीसरा होता है इंपरेटिव सेंटेंसेस, जिसमें हम कमांड्स देते हैं। और चौथा होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जिसमें हम लोग एक्सक्लेमेशंस देते हैं। अब इसे कैसे देते हैं, इस सेंटेंसेस को कैसे फॉर्म करते हैं, चलिए अब उसको समझते हैं। ठीक है, सो हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है जो कि मैंने आपको बताया, वो है डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। सो इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। सेंटेंसेस दैट मेक स्टेटमेंट्स आर नोन एज डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, यानी ऐसे सेंटेंसेस जो कि कोई स्टेटमेंट बनाए उसी को हम लोग डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिया है, सेल्फ कॉन्फिडेंस इज अ की टू सक्सेस, यानी जो इस इंसान के पास सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो इंसान सक्सेसफुल हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक पॉजिटिव सा स्टेटमेंट है। मैंने एक स्टेटमेंट बोला है यहाँ पे कि सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है सक्सेस के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने एक स्टेटमेंट दे दिया। सो ये जो सेंटेंस है, क्योंकि मैंने इसमें स्टेटमेंट दिया है, इसलिए ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस में आता है। ठीक है, सेकेंड जो है वो है दे आर नॉट टेकिंग प्रिकॉशंस। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये कौन सा सेंटेंस है, ये नेगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि सेंटेंस में बोल रहा है कि वो लोग प्रिकॉशंस नहीं ले रहे हैं। ठीक है, सो इसमें जो है, इसमें एक ये जो सेंटेंस है, ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये जो सेंटेंस है, वो क्या कर रहा है, एक स्टेटमेंट दे रहा है हमें। सो इसीलिए ये जो सेंटेंस है वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस के अंडर आता है। ठीक है, ठीक है, आपका जो मतलब बेसिक नॉलेज है उसे चेक करने के लिए कभी कभी पूछ देता है, या ऐसे आपको बोल देता है कि हाँ आप इसमें से चूज करो कि डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस कौन से हैं, या फिर ये जो सेंटेंस आपको कोई दे देगा और फिर आपको बोलेगा कि आप इसे एक्सक्लेमेटरी में चेंज करो, इंट्रोगेटिव में चेंज करो, या फिर डिक्लेरेटिव में चेंज करो। ठीक है, सो इसलिए हमें इसे इन बातों पर ध्यान देना पड़ता है, इन सेंटेंसेस पर ध्यान देना होता है कि कौन सा सेंटेंस किस काम के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, चलिए ओके, सेकंड पे आते हैं हम लोग। तो सेकंड है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ठीक है, चलिए फिर इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। सडन इमोशंस लाइक सरप्राइज, डिलाइट, पेन, ग्रीफ, एंगर, डिस्ट्रेस एक्सेट्रा कम्स अंडर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। यानी ऐसे इमोशंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में क्या होता है, इमोशंस होते हैं। ठीक है, जैसे कि सरप्राइज हो गया, डिलाइट हो गया, पेन हो गया, हैप्पीनेस हो गया, ग्रीफ हो गया, एंगर हो गया, ये सारी जो फीलिंग्स होती हैं हमारे अंदर, जितने भी इमोशंस होते हैं, वो सब इमोशंस और फीलिंग्स जब हम लोग सेंटेंसेस में एक्सप्रेस करते हैं एक पार्टिकुलर वर्ड के थ्रू, सो और उस वर्ड के थ्रू जब सेंटेंस में एक्सप्रेस करते हैं, तो ऐसे ही जो सेंटेंस होते हैं उसे हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, ये हम कैसे कहते हैं, कैसे करते हैं इसका यूज़, चलिए देखते हैं एग्जांपल के थ्रू। ओह सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। सो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, हम अपने इमोशंस को बता रहे हैं कि हाँ अरे वाह वो बहुत ज़्यादा सुंदर है। ठीक है, तो हम अपने इमोशन को यहाँ पे बता रहे हैं किसी इंसान के प्रति कि हाँ वो बहुत ज़्यादा सुंदर है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे होगे कि लास्ट में हमने क्या लगाया, एक्सक्लेमेटरी साइन लगाया। ठीक है, क्यों लगाया, क्योंकि हम यहाँ पे इमोशंस के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, किसी को प्रेज कर रहे हैं, तो इसीलिए हमने यहाँ पे लास्ट में क्या लगाया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, सॉरी एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाया। ठीक है, उसी तरह दूसरे एग्जांपल में हम अगर आते हैं, तो यहाँ पे है इसमें जो हमारा सेंटेंस कह रहा है वो है वाटरफॉल इट वॉज, यानी देखो वो कैसे गिर गया। तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। हो सकता है कोई अपनी दुख मतलब क्या बोलते हैं, अपनापन दिखाते हुए कह रहा हो कि अरे वो जा वो तो गिर गया, और हो सकता है कोई जो है उस इंसान पे क्या कॉमेंट कर रहा हो कि अरे अच्छा हुआ वो गिर गया। ठीक है, सो इस सेंटेंस में ये क्लियर नहीं है कि ये किस तरह के इंसानों के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, बट आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम क्या इस सेंटेंस में क्या दिखाया जा रहा है हमें, कि यहाँ पे हमारी फीलिंग्स, उस किसी भी जो भी इंसान ने ऐसा सेंटेंस बोला है उसकी फीलिंग्स को दिखाई जा रही है कि हाँ उसने अपनी फीलिंग्स इस ये सेंटेंस बोल के क्या प्रकट की है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हमने एक्सक्लेमेटरी मार्क का यूज़ किया है।
ठीक है, चलिए फिर अब हम लोग चलते हैं अपने थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस पे, जो कि है इम्परेटिव सेंटेंसेस। सो इसका डेफिनेशन हम लोग पढ़ लेते हैं। इट एक्सप्रेसेस अ कमांड, रिक्वेस्ट और एडवाइस। सो यहाँ पे ये हमें कहता है कि इम्परेटिव सेंटेंस जो होती हैं वो हमें कमांड देती हैं, या फिर हमसे रिक्वेस्ट करती हैं, या फिर हमें एडवाइस देते हैं। ठीक है चलिए फिर इसको भी हम लोग समझते हैं एग्जांपल के थ्रू। तो मैंने जो फर्स्ट एग्जांपल लिया है वो है कमांड का, यानी हमें कैसे जो कमांडिंग जो सेंटेंसेस होते हैं वो कैसे होते हैं। सो मैंने यहाँ पे जो एग्जांपल लिया है वो है लीव द रूम इमिडिएटली, यानी मेरे रूम को छोड़ के तुरंत बाहर निकलो, है ना। जब हमें गुस्सा आता है तो हम अपने सिस्टर्स को बोलते हैं, ब्रदर्स को बोलते हैं, या फिर अपने फ्रेंड्स को बोलते हैं ना कि निकल जाओ मेरे रूम से बाहर। सो ऐसे हम क्या कर रहे हैं, उसे कमांड दे रहे हैं। या कभी कभी हम ये बोलते हैं कि जल्दी से दरवाज़ा बंद करो या जल्दी से खिड़की बंद करो, हम क्या कर रहे हैं, उसको कमांड कर रहे हैं कि तुम कर ही दो, तुमको ऐसा करना ही पड़ेगा, है ना। हम उसे कमांड देते हैं, जैसे टीचर्स होते हैं तो हमें कमांड देते हैं कि आज तुम्हें होमवर्क, आज नहीं कभी भी, मतलब होमवर्क तुमको कंप्लीट करके आना ही है। तो ये क्या है, कमांड है। वो आपसे एक आपको एक वर्क दिए हैं, एक पार्टिकुलर टास्क दिए हैं जो कि आपको करना ही है। तो ऐसे सेंटेंसेस जो हमें कमांड देते हैं वो इम्परेटिव सेंटेंसेस के अंडर आते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है ओपन द विंडो प्लीज, यानी यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं सेंटेंस कि प्लीज़ तुम विंडो जो है उसे खोल दो। यानी यहाँ पे ये जो सेंटेंस में जो इंसान है वो क्या कर रहा है, दूसरे इंसान को रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज़ तुम ये दरवाज़ा, सॉरी ये खिड़की खोल दो, ये विंडो खोल दो, है ना। तो ऐसे सेंटेंसेस जो रिक्वेस्ट करते हैं वो भी जो है इम्परेटिव सेंटेंसेस के अंडर आते हैं। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल है बी ट्रू टू योर वर्ड्स, यानी ये क्या बोल रहा है सेंटेंस कि तुम अब जो भी बातें तुम बोलती हो उसमें सच्चाई लाओ। ठीक है, या जो भी तुम बात बोलती हो वो सच बोलो। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंसान है वो क्या कर रहा है, हमको एडवाइस दे रहा है कि हाँ तुम सच बोलो। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस जो हमें एडवाइस दें वो भी इम्परेटिव सेंटेंसेस के अंडर ही आती हैं। ठीक है, क्लियर है आपको, फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। सो हमारा फोर्थ टाइप जो है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। सो ये क्या होता है, इट इंक्वायर्स अबाउट समथिंग। यहाँ पे वो कहता है कि ऐसे सेंटेंसेस जहाँ पे इंक्वायरी हो, जहाँ से हमसे कुछ पूछा जाए, ऐसे सेंटेंसेस जो है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंडर आते हैं। ठीक है, अब कैसे पूछे जाएगा, कैसा होगा क्वेश्चन, वो चलिए एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। सो फर्स्ट जो है वो है हमारा डू यू लाइक मिस्ट्रीज क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि क्या तुम्हें मिस्ट्रीज पसंद है। तो ये क्या हो रहा है, हमसे पूछ रहा है, ये सेंटेंस हमसे पूछ रहा है कि क्या आपको मिस्ट्री पसंद है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, हमसे इंक्वायरी कर रहा है, हमारी पसंद नापसंद के बारे में हमसे पूछा जा रहा है। सो इसलिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और जहाँ भी हमसे कोई प्रश्न पूछा जाता है वहाँ पे हम लोग प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क बोलते हैं या फिर इंट्रोगेटिव मार्क बोलते हैं। सो इसीलिए यहाँ पे इस सेंटेंस के लास्ट में आप देखोगे तो मैंने इंट्रोगेटिव मार्क लगाया है, है ना। चलिए फिर सेकंड में आते हैं हम लोग। तो यहाँ हमारा सेकंड एग्जांपल जो मैंने लिया है वो है व्हाट इज योर नेम। ठीक है, यानी तुम्हारा नाम क्या है। सो मैं क्या आपसे पूछ रही हूँ कि आपका नाम क्या है, मैं इंक्वायरी कर रही हूँ कि आपका नाम क्या है। सो इसलिए जो है ये जो सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और हमें पता है कि जब हम कुछ भी किसी से भी कुछ भी पूछते हैं तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं उस सेंटेंस के लास्ट में, एक्सक्लेमेटरी मार्क। सो आप देखोगे कि मैंने यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क सेंटेंस के लास्ट में लगा रखा है। ठीक है, सो अब आप सोचोगे कि चलो अब तो हमारा कंप्लीट हो गया सेंटेंसेस। नहीं नहीं रुको, अभी भी बाकी है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के भी कुछ पार्ट्स होते हैं। ठीक है, अभी हम लोग उन पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। सो हमारा जो फर्स्ट पार्ट होता है वो है यस नो क्वेश्चंस, यानी सही जिस मतलब ऐसे क्वेश्चंस जिसका आंसर जो है हम यस में देते हों या नो में देते हों। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे उसका डेफिनेशन पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। ठीक है, so the questions that can be answered in yes or no usually starts with is, am, are, was, were, will, do, did,
कैन शुड एक्सेट्रा। सो यहाँ पे कहता है कि जब भी हम लोग यस नो क्वेश्चंस जब भी हमसे पूछे जाते हैं सो वहाँ पे जो है सेंटेंस जो है यूजुअली स्टार्ट होता है हेल्पिंग वर्ब से, जैसे कि इज हो गया, एम हो गया, आर हो गया, वॉज हो गया, वर हो गया, विल हो गया, डू हो गया, डिड हो गया, कैन हो गया, शुड हो गया, और भी बहुत सारी जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं उससे हमने ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यस और नो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है विल यू बी एबल टू कम, यानी ये क्या पूछ रहा है कि क्या तुम आ सकोगी, तो हम इसका जवाब क्या देंगे कि अगर आना होगा तो हम क्या बोलेंगे यस, अगर नहीं आना होगा तो हम तो क्या बोलेंगे नो, है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे कि विल क्या लगा है, पहले लगा है, विल एक हेल्पिंग वर्ब है और ये कब लगा है, पहले लगा है। सो इसी तरह जो भी यस और नो क्वेश्चंस होते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब्स जो होते हैं वो पहले लग जाते हैं। ठीक है, अब चलिए दूसरे टाइप पे आते हैं। सो दूसरा टाइप जो है वो है क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन, यानी इसका क्या मतलब होता है, इट इंडिकेट्स WH क्वेश्चंस लाइक हु, विच, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ मच, हाउ मेनी एक्सेट्रा। सो यहाँ पे कहता है कि क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन का मतलब होता है कि ऐसे क्वेश्चंस जो कि WH क्वेश्चन से स्टार्ट होते हों। ठीक है, जैसे कि हु हो गया, विच हो गया, व्हाट हो गया, व्हेन हो गया, वेयर हो गया, हाउ मेनी हो गया, हाउ मच हो गया, और भी बहुत सारे। सो आप इसमें देखोगे कि इसमें जो भी है यहाँ पे WH क्वेश्चंस ही हैं, है ना। तो इसीलिए WH क्वेश्चंस जो होती हैं वो क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन के अंडर आते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है व्हेन डिड यू बाय दिस कार, तो आप यहाँ पे देख सकती हो कि ये जो सेंटेंस है वो किस चीज़ से स्टार्ट हुआ है, व्हेन, यानी व्हेन क्या है, WH क्वेश्चन है। सो WH क्वेश्चन से जो ये जो सेंटेंस है हमारा स्टार्ट हुआ है कि व्हेन डिड यू बाय दिस कार, यानी आपने कब ये कार खरीदी, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस जो हैं जो कि WH क्वेश्चन से स्टार्ट हो वो क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन के अंडर आते हैं। ठीक है, क्लियर है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा अल्टरनेटिव क्वेश्चंस, इसका मतलब क्या होता है, इट इंक्लूड्स क्वेश्चन जॉइन बाय और गिव्स यू ऑप्शन व्हाइल आस्किंग क्वेश्चंस, यानी अल्टरनेटिव क्वेश्चंस का मतलब होता है कि ऐसे क्वेश्चंस जो कि और के द्वारा ऐड हो जाते हों, या फिर यानी और के द्वारा ऐड हो जाते हों मतलब क्या, यानी एक ही क्वेश्चन में आपसे दो क्वेश्चन पूछ लिया जाता हो, या फिर आपको उस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन दिया जाता हो, ये कैसे होता है, चलिए एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। सो मैंने एग्जाम्पल लिया है वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफ़ी, यानी आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमसे पूछ रहा है कि क्या आप चाय पीना पसंद करोगे या कॉफ़ी, यानी यहाँ पे हमें क्या दे रहा है, एक ऑप्शन दे रहा है कि आप टी पियो या फिर कॉफ़ी पियो, है ना। तो यहाँ क्योंकि हमें यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है, क्वेश्चन में ही ऑप्शन दे रहा है, हमें चूज़ करने का मौका मिल रहा है कि हमें क्या पीना है, तो इसलिए जो है ये सेंटेंस अल्टरनेटिव क्वेश्चंस के अंडर आता है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे जो है हमारा नेक्स्ट है वो है रेटोरिकल क्वेश्चंस, यानी ऐसे क्वेश्चंस जिसमें स्टेटमेंट हो, ऐसे क्वेश्चन जो कि खुद में स्टेटमेंट कंटेन करते हों, वो कैसे, ये देखिए, इजंट इट हॉट टुडे, यानी यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि अब आप रे आज तो बहुत गर्मी है ना, तो क्या, या ऐसे आप बोलो कि क्या तुम्हें गर्मी नहीं लग रही, है ना। तो ये हमें क्या बता रहा है कि उस जो इंसान हमें स्टेटमेंट दे रहा है उसे खुद को गर्मी लग रही है, और वो फिर हमसे पूछ रहा है कि क्या आपको गर्मी नहीं लग रही, है ना। तो आप इस स्टेटमेंट में, इस क्वेश्चन में देख सकते हो कि आपको एक स्टेटमेंट भी दिया हुआ है और उस स्टेटमेंट की बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सो इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ये आपको रेटोरिकल क्वेश्चंस के अंडर आता है। ठीक है, चलिए फटाफट से हमने लास्ट पॉइंट को पढ़ लेते हैं। सो लास्ट जो है वो है हमारा क्वेश्चन टैग्स, इट सीम्स कन्फर्मेशन ऑफ मैसेजेस ऑफ सेंटेंसेस, यानी ऐसे क्वेश्चंस जो कि क्वेश्चन पूछने के बाद एक बार आपको कन्फर्म करने को भी पूछ ले, ऐसे सेंटेंसेस जो होते हैं वो क्वेश्चन टैग्स के अंडर आते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है सी डिड नॉट इन्फॉर्म यू डिड शी, तो यहाँ पे हमें बोलता है कि उसने तुम्हें इन्फॉर्म नहीं किया, क्या उसने किया था, यानी एक तरह से वो आपको बता रहा है कि उसने आपको इन्फॉर्म नहीं किया है, बट फिर भी कन्फर्म करने के लिए आपसे फिर पूछ भी ले रहा है कि क्या उसने कन्फर्म किया था, सॉरी क्या उसने इन्फॉर्म किया था, है ना। कीजिए
सपोज करो कि कभी कभी हमें क्या होता है कि कंफ्यूजन हो जाता है कि हमारे फ्रेंड कल आया था या हमारे क्लासमेट कल आया था स्कूल की नहीं, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि कल तुम स्कूल नहीं आए थे ना, आए थे क्या? ठीक है, तो ऐसे क्या हम एक कंफ्यूजनिंग वे में उससे क्वेश्चन पूछते हैं कि तुम कल स्कूल नहीं आए थे क्या, आए थे? तो कंफर्म भी कर लेते हैं, उसी क्वेश्चन में क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, और क्वेश्चन में दो बार क्वेश्चन नहीं पूछते हुए एक ही बार में हम उस क्वेश्चन को कंफर्म भी कर लेते हैं कि जो बंदा जो आपको आंसर दे रहा है वो सही आंसर दे। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा जो सेंटेंसेस का फॉर्म होता है वो कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर ग्रामर का टेंसेस के बारे में पढ़ लिया जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए आई होप कि आपको जो मैंने समझाया वो क्लियर होगा। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेंटेंसेस स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।